सपा ने शुरू की किसान संदेश साइकिल यात्रा। समाजवादी पार्टी द्वारा किसानों एवं नौजवानों को केंद्र में रखते हुए 7 दिवसीय किसान संदेश साइकिल यात्रा का भरतना से शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव मौजूद रहे। उन्होंने यात्रा की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में अंशुल यादव ने कहा, प्रदेश में अराजकता का माहौल है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा और सरकार के मंत्री युवाओं की योग्यता पर सवाल खड़े करते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, व्यापारी वर्ग परेशान है और सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, किसानों को उनकी ही जमीनों पर मजदूर बनाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। मौजूदा किसान बिल का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, यह बिल किसानों के हित में नहीं है, इससे किसानों में आक्रोश है। कार्यकर्ताओं से 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील करते हुए कहा कि जनता इस सरकार से ऊब चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है। 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। इस अवसर पर पूर्व सांसद प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री अशोक यादव, हरिओम यादव, सुरेंद्र सिंह, मनोज यादव, हाकिम सिंह, अनीता दिवाकर आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भरतना से ऋषि राज यादव की रिपोर्ट, सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर। समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।